नमस्कार, मैं मोहम्मद इरफान आलम, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज। अभी तिरछी आंख न्यूज कार्यालय में राजद के वरिष्ठ नेता नीरज यादव तिरछी आंख कार्यालय में आने पर इसको बहुत स्वागत है। इरफान भाई, आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार एमएलसी चुनाव चल रही है, जिसमें तीन प्रत्याशी का नाम आ रहा है, बीजेपी से रजनीश कुमार, कांग्रेस से राजीव कुमार, आरजेडी से मनोहर यादव। ये बताइए, आप क्षेत्र घूम रहे हैं, हर पंचायत जा रहे हैं, इनके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव ने पूरे सोच समझ कर के ही राजद का उम्मीदवार को नगर सभापति मनोहर यादव को बनाया है। और आप ये भी जानते हैं कि जो जदयू और भाजपा का जो गठबंधन है, उसके द्वारा जो अत्याचार जनप्रतिनिधि पर जो किया गया है, बहुत सारे मुखिया निर्वाचित होने के बाद भी मारे गए हैं, पहले भी मारे गए थे, जिस पर कोई किसी तरह का कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे, आपको पछौता और भड़ास में भी आपको ताजा तरीन हिसाब की तरह देखने को आपको मिला होगा, मानसी में भी आपको देखने को मिला। ये सवाल किसके जीतने और किसने का बात है, तो हमारे जो गठबंधन के जो नेता हैं और जो राजद के उम्मीदवार हैं, वो शुरू से ही अपने हरेक दौरे में, हरेक पंचायत में जनप्रतिनिधि के हक और हकूक की बात करते हैं, जो कि तेजस्वी यादव के द्वारा जो निर्देशित जो बात है वही कहा जा रहा है। अभी आप तेजस्वी यादव के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया, उसके बाद मनोहर जी के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया कि जनप्रतिनिधि को 500 से लेकर के 2000 रुपया मिलता है, एक मान लीजिए कि जनप्रतिनिधि को 500 रुपया मिलता है महीने का, वो जो है भत्ता मिलता है, वेतन भत्ता जो मिलता है उसको, उसमें हमारा जनप्रतिनिधि अपने पंचायत से ब्लॉक जाने का भी उसको खर्च पूरे महीने का नहीं कर पाता है। तो यही सब है, एक सम्मानजनक लड़ाई की बात है। और जहाँ तक दो कैंडिडेट का बात है, तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि वो अब किसी काम के लायक नहीं। महागठबंधन तो कांग्रेस थे, आरजेडी थे, फिर कांग्रेस क्यों अलग हुई? देखिए, ऊपर से जो हमारा अलग नहीं हुए हैं, ये हमारा फाइट है। वो उनको समझ में आया कि हम भी लड़ सकते हैं, हर एक आदमी लड़ने के लिए लोकतंत्र में स्वतंत्र है। लेकिन लालू यादव और सोनिया गांधी का गठबंधन नहीं टूटा है, ठीक है। और रहा बात यहाँ, तो लोकल गवर्नमेंट जो है इसको आप फ्रेंडली फाइट भी कर सकते हैं, वो अपना अलग लड़ रहे हैं, वो अपना अलग लड़ रहे हैं, और कांग्रेस भी अपनी वजूद की तलाश में। बहुत प्रतिनिधि, जैसे वार्ड हुआ, समिति हुआ, मुखिया हुआ, बहुत जगह शिकायत सुनते हैं कि प्रतिनिधि किसको वोट दें। हम लिख कर क्या भाई, आप मतलब कि क्षेत्र आरजेडी के प्रत्याशी या बीजेपी के या कांग्रेस के कोई भी उम्मीदवार नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आते हैं, मुखिया से भेंट करते हैं, वार्ड से भेंट करते हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि हमारे जो राजद के जो उम्मीदवार हैं और हम लोग दल के समर्पित सिपाही हैं, हम, और पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो दल के जो उम्मीदवार हैं भाई मनोहर, ये दोनों कैंडिडेट का सिट्टी पिट्टी गुम कर दिए हैं, हम आपको ये बता देते हैं। और जो दूसरा भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, वो तरह तरह के प्रलोभन मंत्री पूरे खगड़िया और बेगूसराय में बांट रहे हैं, जो कि जगह जगह उनका फेल भी हो रहा है ना, बहुत सारा चीज कर रहे हैं, लेकिन लोग के नज़र में वो आ चुके हैं। उनको जब बेगूसराय से दौड़ाया जाता है तो खगड़िया के राजपोषण में वो गिरते हैं, और राज की खगड़िया से जब दौड़ाया जाता है तो बरौनी जाके गिरते हैं, ठीक है। तो ये दौरा दौरी का काम जो है कर रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं मजबूती के साथ, भाई मनोहर ने कबड्डी जो है दोनों उसको खिलाना शुरू कर दिया है। और हमारा राजद का उम्मीदवार, आप बिलीव विश्वास रखिए, इसी
तिरछी आंख के स्टूडियो में जीतने के बाद आप उनसे इंटरव्यू लेंगे और पूरे विजयी रुपया पे डायरी टिफिन घड़ी खूब बांट रहे हैं। ये आचार संहिता का तो उल्लंघन है। वही बात, अगर ये बात बोला जा सकता है तो ऑन एयर हम ये बात आप कैसे बात कर सकते, जब हम देखे हैं ना आप देखे हैं। बोलने का तो बहुत सारा बात है, चुनाव बहुत तरीके से लड़ा जाता है, ठीक है। तो हमारा उम्मीदवार जैसे जो लड़ेगा वैसे सक्षम है, लेकिन सक्षम उम्मीदवार को पार्टी उम्मीदवार बनाया है, लेकिन ये सब फालतू वाली बात है कि कोई ये दे रहा है वो दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा है किसी पे, कि कोई ऐसा नहीं है। आप 5,000 वोटर है, अगर कोई आपसे झूठ बोलता है तो उसे गुनाह और करके प्लस देख लीजिए, अगर वैसा करेगा तो घर द्वार का हिसाब किताब हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होगा और जो है आप लोग के नज़र में रहेगा चुनाव। लोग क्या बोलता है, 12 से वो जो जनप्रतिनिधि रहे तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है और और दूसरे उम्मीदवार का रिपोर्टेशन थोड़ा सा खराब है। क्या इस बार मतलब मनोहर यादव माला पे नहीं लेंगे क्या? उम्मीद तो यही है। आरजेडी के जितने भी नेता है समर्थन कर रहे हैं, पूरे सारे समर्थन कर रहे हैं। दलगत लाइन से जो बाहर हैं, तेजस्वी जी का पूरे आदेश है कि जो दलगत नीति से अलग पार्टी लाइन से जो अलग होंगे वो पार्टी से अलग हो जाएंगे। किस तारीख को नामांकन करवा रहे हैं? जो जानकारी मिली है उस हिसाब से 15 को हम लोग बेगूसराय में उनका नामांकन करवाएंगे। सब आदमी खगड़िया से कितने लोग जा रहे हैं? सारे लोग जाएंगे, जो उनके शुभ चिंतक है सारे लोग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद।